मेहता का उल्टा चश्मा। हम बहुत मजबूर हैं। हमारी बेटी की श्रद्धा के आगे हमारे लिए सच झूठ कुछ मायने नहीं रखता है। अब भक्ति की श्रद्धा में उसका साथ देना ही हमारा ध्येय बन चुका है। देखिए, माँ होने के नाते मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। आदमी? हाँ। ओए पिड़ू, ओ मैनू भी ये लोग सच्चे लगते। ओ वैसे भी गोकुल धाम वालों का दिल तो दरिया है, तो एक गणेश जी की भक्ति के लिए हम सभी का वेलकम करते। हाँ, भक्ति करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हाँ। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि सभी बेफिक्र होकर इन पर विश्वास कीजिए। आप लोग इधर आइए, अदर। हाँ, इधर आइए। आ गए, तब लोग आ गए। देखिए, इतना जल्दबाजी में डिसीजन लेना ठीक नहीं है। भक्ति की, गणेश भक्ति पर मेरे को कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सपने का बात सच होगा मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मेरा तो ना है। सही बात है, इमोशन विश्वास अपनी जगह पे सही है, पर ऐसे अंधविश्वास को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसलिए मेरी तरफ से भी ना है। देखिए, कल जाके कोई और बच्चे को कोई और नामुमकिन सा सपना आ गया, अब उसे सच करने के लिए हम हाँ थोड़ी कह सकते, इसलिए देखिए मेरी भी ना है। देखिए, एक माँ होने के नाते मैं दिमाग से नहीं दिल से सोच रही हूँ, इसलिए भक्ति को यहाँ रुकने देने में मेरी हाँ है। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर हम भक्ति को हाँ कहते हैं तो वो खुश होगी, अगर हम भक्ति को ना कहते हैं तो वो दुखी होगी, और गणपति बापा उसके साथ गरबा खेलने आने वाले नहीं, तो वो और भी ज्यादा दुखी होगी। तो भाई मेरी तो ना है। देखो मेहता साहब, गणेश जी भक्ति के साथ गरबा खेलने नहीं आए, इस बात का भक्ति को दुख होगा ही, लेकिन इस बात का ज्यादा दुख होगा कि वो गोकुलधाम में नहीं थी, इसीलिए गणपति बप्पा उसके साथ गरबा खेलने नहीं आए, इसीलिए मेरी तो हाँ है। देखिए, आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना है थोड़ा जल्दी लीजिए, मुझे तो भक्ति की चिंता हो रही है, बेचारी ने पता नहीं कब से खाना नहीं खाया, कमजोर हो गई है वो। हाँ, और उसे इस तरह से भूखा देखकर मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। देखिए, भक्ति गोकुल धाम में रहे या ना रहे, लेकिन बिना बापा के दर्शन किए वो कुछ खाने वाली नहीं। अब दुविधा ये है कि हम करें तो क्या करें। चाचा जी, आपको क्या लगता है? मैं क्या कहूं भिड़े, ये तो धर्म संकट हो गया है। नहीं, मतलब मेरा दिल ये कहता है कि हमें इस छोटी बच्ची को दुखी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन आप सब लोगों की बात भी सही है, वो बच्ची भूखी प्यासी यहाँ रहेगी तो परेशान हो जाएगी, वो घर जाएगी तो कम से कम ठीक से सो तो पाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भक्ति आखिर में तो बच्ची है, हम तो बड़े हैं, हम तो समझदार हैं ना। हाँ, देखिए, हमें कठोर होकर निर्णय लेना ही पड़ेगा। मैं जाके बात करता हूँ। हाँ, बात। देखिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज यहां से चले जाइए, आप गोकुलधाम में नहीं रुक सकते। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, ऐसा मत कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम हमारी गरीबी के चलते अपनी बेटी की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाते हैं। पर भक्ति की इस इच्छा में हमें उसका साथ देना है, और
आप सबकी ना से हमारी बेटी का हृदय टूट जाएगा। प्लीज प्लीज। एक मिनट आप प्लीज समझने का कोशिश कीजिए। देखिए जब गणेश उत्सव पूरा हो जाएगा और तब भी गणपति बप्पा भक्ति के साथ गरबा खेलने नहीं आएंगे तो उसका हृदय और टूटेगा। नहीं, गणपति बप्पा आएंगे, जरूर आएंगे। हे विघ्नहर्ता, ये कैसा धर्म संकट है, अब आप ही ये विघ्न दूर कीजिए। देखिए आप लोगों से हमें पूरी सहानुभूति है लेकिन हम आपको यहाँ पे रुकने की परमिशन नहीं दे सकते। आप प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए। चलो बेटा। नहीं पापा, मुझे गणपति बापा के पास ही रहना है। गणपति बापा जरूर आएंगे। नहीं बेटा, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। भक्ति बस कर, अब यहाँ गोकुल धाम में रहने की और अन्न का एक भी दाना ना खाने की जिद छोड़ दे। नहीं, मैं घर नहीं आऊंगी और जब तक गणपति पापा नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। देख बेटा, हमारे हाथ में जो था हमने किया पर ये लोग नहीं मान रहे हैं। देख भक्ति, अब हमें घर चलना ही होगा, चल। नहीं मम्मी, पापा, गणपति पापा, आपने मुझे वचन दिया है कि आप मेरे साथ गोकुल धाम में गरबा खेलोगे। पापा, ये लोग मुझे आपसे दूर ले जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है पापा, मुझे रोक लो। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है। भक्ति जिद मत करो, चलो। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, चलो। रुकिए, एक मिनट रुकिए। अहो, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, हर बात में आपका साथ दिया है, लेकिन आज मैं आपकी बात न मानूंगी न सुनूंगी। आप सबको सॉरी, लेकिन मैं भक्ति की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। भक्ति के साथ हूँ, भक्ति के साथ हूँ, भक्ति के साथ हूँ, भक्ति के साथ हूँ, भक्ति के साथ हूँ। ए, नहीं बेटा नहीं। मैं माधवी भाभी से सहमत हूँ। हा? मैं भी भक्ति के साथ। मैं भी भक्ति बेटी के साथ हूं, ये यहीं रहेगी। चाचा जी, मैं भी भक्ति के साथ हूं। भक्ति के साथ है। हाँ, हम भी भक्ति के साथ है। शाबाश बच्चों। मैं भी। मैं भी भक्ति पुत्र दे नाल आ। आइए बावरी जी। हम भी भक्ति के साथ हैं। हाँ। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। हाँ। हाँ। मैं भी भक्ति के साथ।
भाभी। हंस भेड़े मास्टर, हम भी भक्ति के साथ हैं। ये देखो, अरे ये भिनी मास्टर, ये अयेली, अरे तुम दोनों क्या वहाँ अभी भी ऐसे खड़े हो? अरे आ जाओ, तुम लोग भी हमारे साथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, छेती, छेती। भक्ति बेटा, बापा के प्रति तुम्हारी भक्ति को सलाम है, हमारी भी यहाँ है। क्यों अय्यर? हाँ गणपति बापा। भक्ति बेटा एक मिनट। बेटा जैसे हमने तुम्हारी बात मानी है, वैसे तुम्हें भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। बहुत कमजोर हो गई हो, कुछ खा लो। नहीं अंकल, मैंने गणपति बापा को वचन दिया है कि जब तक आप मेरे साथ आकर गरबा नहीं खेलोगे, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे भक्ति, अगर मैंने वचन तोड़ दिया तो गणपति बापा भी मेरे साथ गरबा खेलने का वचन तोड़ सकते हैं। नहीं भक्ति, बच्चे अगर वचन तोड़े तो गणपति बापा माफ कर देते हैं। हाँ। मैंने अगर खुद वचन तोड़ दिया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ये भी अजीब स्थिति है, जो बात स्वीकार नहीं उसे गलत भी नहीं ठहरा सकते। ओ मैं तो कहता हूं सब कुछ गणपति जी पे छोड़ देते। क्यों चाचा जी? बराबर। भक्ति का आज रात यहाँ रुकने का निर्णय हो गया है तो क्यों ना हम सब भी भक्ति के साथ आज रात यहीं रुककर गणपति बापा की स्तुति भजन करें? हाँ अप्रतिम आइडिया। अरे वाह, हाँ बहुत आइडिया है। वैसे तो हम लोग गणपति बापा की पूजा आरती रोज करते हैं, लेकिन आज भक्ति की वजह से पूरी रात गणपति बापा की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। नहीं? बस हमारी भी यही प्रार्थना है कि गणपति बापा यहाँ पे आए और हमारे साथ गरबा करें। मुझे तो मनी मन इसी बात की खुशी हो रही है कि आज रात भर हम गणेश जी की प्रार्थना करेंगे। चलो चलो तैयारियां करते हैं। अरे बाबरी बेटा, बगा लड्डू, तू लग जाओ घर जाओ, तुम्हें दुकान भी तो जाना है। बापू जी, ऐसी जागरण की तो हमें आदत है। हाँ बापूजी, मैं और नट्टू काका तो कई बार पूरी पूरी रात लोकगीत डायरों में जाते हैं और पूरी रात जागने के बाद भी दुकान में पहुंचते हैं तो पता ही नहीं चलता हम पूरी रात जागे हैं, एकदम फ्रेश। नहीं नट्टू काका? हाँ। बागेश्वर जी, आप पर और नट्टू काका पर तो गणपति पापा की स्पेशल कृपा है। हाँ आओ आओ, आइए बाबूजी, आइए नट्टू काका। भक्ति बेटा, तुम्हारे साथ साथ हम सब भी गणपति बापा से प्रार्थना करेंगे हैं कि तुम्हारी श्रद्धा की जीत हो। बोलो गणपति बापा। गणपति बापा, आज मेरे साथ पूरा गोकुल जाम है, अब आप जल्दी से मेरे साथ और सबके साथ गरबा खेलने आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। ओम 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 गजानन नमः।
हे गणपति पापा, आप गोकुल धाम में आकर दर्शन दीजिए और भक्ति की इच्छा पूरी कीजिए। पापा, भक्ति के साथ साथ हमारे साथ भी गरबा खेलो प्लीज। गणपति बाप्पा, मैं जानता हूँ कि आपका यहाँ पे आके साक्षात गरबा खेलना असंभव है, लेकिन आपकी ये छोटी भक्त दुखी न हो ऐसी कृपा करना। चाय लेकर आती हूँ। दूध वाली चाय लेकर आना। दूध वाली चाय ही लेकर आ रही हो ना? गणपति बाप्पा। भक्ति बेटा, चलो सुबह हो गई। मम्मी, गणपति बाप्पा परसों रात भी नहीं आए थे और कल रात भी मेरे साथ गरबा खेलने नहीं आए। भक्ति बेटा, गणपति बाप्पा तुम्हारे सपने में आए वही बहुत बड़ी बात है। भक्ति बेटा, सच को स्वीकार करो, कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? रहोगी? भक्ति बेटा, ऐसे सपने सच नहीं होते हैं। भक्ति, गणपति बप्पा तुम्हारे साथ गरबा खेलने नहीं आएंगे पुत्र। वो आएंगे, जरूर आएंगे। अगर उनको आना नहीं होता तो फिर मेरे सपने में आते ही नहीं ना। भक्ति बेटा, जिद छोड़ो और सपनों की दुनिया से बाहर आओ। भक्ति, प्लीज सच को मान लो और कुछ खा लो। हाँ। नहीं, गणपति बाप्पा ने मुझे सपने में वचन दिया है, उनको मेरे साथ गरबा खेलने आना ही होगा। आज रात में फिर आऊंगी गोकुल धाम और आपसे प्रार्थना करूंगी यहाँ आने के लिए। जब तक गणपति पापा मेरे साथ गरबा खेलने नहीं आएंगे, मैं खाना तो क्या, पानी भी नहीं पीऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी। ये तो गजब हो गया। उस छोटी सी बच्ची भक्ति ने अपने उस सपने वाली बात को सच मान लिया और खाना पीना छोड़ दिया कि गणपति बापा उसके साथ आके गरबा खेलेंगे। ये तो टेंशन वाली बात होगी, क्योंकि गणपति बापा उसके साथ गरबा खेलने नहीं है और भक्ति जिद पकड़ कर बैठी। क्या लगता है, क्या भक्ति की भक्ति गणपति बापा को यहाँ पर लेकर आएगी? मुझे तो नहीं लगता। इस छोटी सी बच्ची भक्ति ने अन्न जल को त्याग कर दिया और हम सबको टेंशन में डाल दिया। ये ऐसी कोई कॉल सर्विस है क्या जहाँ पर हम गणपति बापा को फोन करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज आइए इस बच्ची के साथ गरबा खेलें ताकि उसका दिल न टूटे? भाई, अभी ये नई टेंशन और जिम्मेदारी हम सबको काम पर लगाने वाली, लेकिन गोकुल धाम में टेंशन मतलब आपके घर पर हंसी और ठाकुर की पेंशन। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ चाचा जी? अरे क्या हुआ क्या भैया मास्टर? भक्ति बेटी के बारे में सोच रहा, कोई उपाय मिल ही नहीं रहा है। अरे तू तो एक शिक्षक है, इतने बच्चों को पढ़ाता है, एक छोटी बच्ची को नहीं समझा सकता चाचा जी? तू चल चल चल,
अरे तू लेखक है, तू एक छोटी बच्ची को नहीं समझा सकता? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम सबके समझाने से बेहतर है आप उस बच्ची को समझा। अरे कब से वही सोच रहा हूँ कि उस बच्ची को कैसे समझाऊं। हमें जल्दी कोई उपाय सोचकर भक्ति को समझाना होगा। सही बात है, भक्ति खाएगी पिएगी नहीं तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। गणपति बप्पा अभी आप ही कुछ उपाय दो। उपाय है? क्या क्या जी बोलता है? मुझे उपाय मिल गया। क्या 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 क्या, 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 क्या?